अभी ये जो एग्जाम चल रहा है ये हेमंत सोरेन का एग्जाम चल रहा है, तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खारगे जी का बयान को स्वागत करता हूँ। देखिए, बीजेपी का पास पहला इश्यू है गोगो दीदी, दूसरा इश्यू है 2,87,000 नौकरी, तीसरा इश्यू है 21 लाख माताओं को मकान, चौथा इश्यू है हमारे जो घुसपैठी झारखंड में घुसा हुआ है उनको बाहर निकालना, चौथा इश्यू है माताओं को गैस सिलेंडर 500 रुपया में देना, साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देना, और बाकी तमाम जो इश्यू है कल आदरणीय गृहमंत्री जी हमारे मैनिफेस्टो रिलीज करेगा, आपको पता चल ही जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि जो नारे भाई बीजेपी के नकारात्मक और नाकामी के प्रतीक है, और उनके 10% जो वोटर है वो भी अब खिसकने को तैयार है। मेरा पता नहीं, यहाँ में तो अखिलेश यादव का मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है झारखंड में, तो इसीलिए क्या परिपेक्ष में बोल रहा है मेरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन झारखंड में समाजवादी पार्टियों को दिखाई नहीं देते हैं। इंडिया गठबंधन ने उनको एक भी सीट नहीं दिया, उनका सम्मान को एक प्रकार से नकार दिया है। जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड चुनाव में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को कोई महत्व नहीं दिया है, वो मैं पहले भी बोला हूं और आज भी मैं बोलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के फेक प्रॉमिस पोस्ट के बाद विपक्ष का हमला कि बीजेपी बी फॉर विश्वासघात, जे फॉर जुमला। देखिए, प्रधानमंत्री जी का खिलाफ वो लोग जितना बोले इतना ही लोगों का प्रधानमंत्री का ऊपर प्यार सम्मान बढ़ जाते हैं। आज पिछली 11 साल और उससे पहले भी प्रधानमंत्री का ऊपर जितना बार उन्होंने हमला किया है, इतना बार उनका जो भी बसा कुसा है वो भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए मेरा निवेदन होगा विपक्ष को, अगर आप लोगों को कहीं भी सत्ता पे आना है पहले सीख लो कि मोदी को क्रिटिसाइज मत करो, तभी आप कुछ आपका काम हो सकता है। हेमंत सर ने ट्वीट किया है और कहा है कि रघुवर दास का एक लिस्ट जारी किया है कि अपने परिवार और बाहरियों को जमशेदपुर टाटा में नौकरी दिलाया लेकिन आदिवासियों को नहीं दिलाया। तो आप देखिए, आप देखिए रघुवर दास टाटा को कैसे नौकरी दे सकता है, टाटा तो अपना एक मालकिन कंपनी है। अभी ये 5 साल हेमंत सोरेन जी कितना नौकरी दिया टाटा में आदिवासियों को, तो रघुवर दास का लीज देने से फायदा है अपना लीज जारी करो कि अपने कितना नौकरी दिया आदिवासियों को। रघुवर दास को लोगों को ने हराए दिया था ना, लेकिन अभी ये परीक्षा रघुवर दास का नहीं है, ये परीक्षा हेमंत सोरेन का है। कृपा करके आप लीज दीजिए, आप जमशेदपुर टाटा में कितना आदिवासियों को आपने नौकरी दिया, आप काहे को रघुवर दास को यहाँ खींच के लेके आ रहे हैं, उनको तो लोगों ने तो एक बार पनिश कर ही दिया है, हरवा दिया। अभी ये जो एग्जाम चल रहा है ये हेमंत सोरेन का एग्जाम चल रहा है, ये रघुवर दास का एग्जाम नहीं चल रहा है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है महाराष्ट्र परिप्रेक्ष्य में हमें 10-20 घोषणाएं नहीं करनी है, घोषणाएं उतनी ही की जाए चुनाव को लेकर जो बजट के अनुरूप। देखिए, मेरा लगता है कि ये बात कर्नाटक चुनाव से ही बात सरसा में आए थे कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं, राहुल पागलापन करते हैं, हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है, कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है, तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खारगे जी का बयान को स्वागत करता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए जो हम कर सकता हूं, जो हम कर नहीं सकता हूं ऐसा प्रॉमिस हमें नहीं करना चाहिए। सर, कल वेणुगोपाल की कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने ही हंगामा किया, आए थे क्या वेणुगोपाल जी यहाँ, हमारे खबर ही नहीं आए। सर, एक हेमंत सोरेन ने और भी ट्वीट किया और उसने कहा है कि पीएसयू का विनिवेश जो है आउटसोर्सिंग में SC ST के लिए मौत का कारण बन रहा है। अरे भाई, हेमंत सोरेन जी अभी क्या ये सब ट्वीट कर रहे हैं, आप बताओ ना कितना झारखंडियों को नौकरी दिया, 7,000 महिलाओं का रेप हुआ झारखंड में, उसमें ज्यादातर आदिवासी माताओं है, आदिवासी बहनाई है, तो वो सब बताओ ना, कहां पीएसयू में जा रहा है अभी, आप तुमने क्या किया, आपने क्या किया ये बताओ,
आपने सोने का सिक्का देने का बात किया था, किसी को सोने का सिक्का मिला क्या? ये सब बताओ ना अभी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।